Hey guys, welcome to my vlog. Hey guys, आप मेरे पीछे देख रहे हो? नाम क्या है? हाँ, McDonald's. तो वही हम खा रहे हैं. फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, अभी तक मैंने नहीं खाया यार. मिडिल क्लास हूँ तो सोच सकते हो ये नाम सुन के ही कितना अच्छा लगता है. यहाँ पे बैठे हैं हम मैकडॉनल्ड्स में क्योंकि वेट होल्डिंग टाइम है, लगभग 10 घंटे का होल्ड है, तो इसलिए बस यहाँ पे थोड़ा नाश्ता करने आए थे, भूख लगी थी. तो इंडियन होटल का मतलब क्या नहीं स्टेट है ये कड़ा ही कटी था कटी था. हाँ, यहाँ पे सब इंडियन फूड मिल जाएंगे आपको अगर खाना है तो. इंडियन फूड हमें तो नहीं खाना, हमें तो अब मैकडॉनल्ड्स दिख गया है तो हम मैकडॉनल्ड्स की तरफ जा रहे हैं. यहाँ का और बिश्केक का और इंडिया का पूरा टाइम डिफरेंस है. बिश्केक में अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? बिश्केक में बज रहे हैं 10:56. बिश्केक का टाइम हो रहा है 10:56, मतलब लगभग 11 हो रहे हैं. ठीक है, और यहाँ का टाइम है 2 घंटे आगे. हाँ, यहाँ का नहीं, यहाँ का टाइम 2 घंटे पीछे है. तो यहाँ का टाइम 2 घंटे पीछे है बिश्केक से, और बिश्केक आगे है आधे घंटे से इंडिया से. पूरा उलट मलट हो गया है हमारा. फ़ोन ये भी सोच रहा है कि यहाँ कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहे हो तुम लोग, मुझे अच्छे से टाइम भी बताते नहीं आ रहा है. यहाँ पे 2 या 3 घंटे हो चुके हैं, बस बैठा ही है. ऊपर से थोड़ा बहुत मूवी देखी है, अभी बोर सी बोर लग रहा है मूवी देख के भी. बस और हमें लगभग 7 घंटे बिताना है यहाँ पे. वही सोच रहे हैं कि कैसे बिताए यहाँ पे. भूख लगी थी तो यहाँ पे आ गए खाना खाने मैकडॉनल्ड्स में. चलो देखते हैं मैकडॉनल्ड्स की टेस्ट कैसी होती है. अपन टीवी में इतना देखते हैं मैकडॉनल्ड्स, आज देख ही लेते हैं कितनी हवा है इसकी. फर्स्ट ट्राई. यहाँ पे होटल दिख रही है ग्रीनलैंड ग्रीन लीफ. तो यहाँ पे आपको इंडियन फूड मिल जाएगा. हमें पूरा जो भी हमने मंगाया है ऑर्डर, लगभग हमें 1100 का पड़ा है. यहाँ पे एक एड मतलब इंडियन में 21 रुपीज़ होता है. तो इतना एज कम्पेयर टू अमेरिका इतना कम, इतना महंगा नहीं है. सर, मैं खाने के साथ कोक बिल्कुल नहीं पीता हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है कोक. तो इस ऑर्डर के साथ मुझे कोक मिल गई इसलिए पीना पड़ रहा है. आदि तो यशी पीएगा मेरी वाली, मैं नहीं पीऊँगा. पूरा मुंह भर गया भाई तेरा, अच्छे से तो खा. पता है. चलो आज मैकडॉनल्ड्स की भी टेस्ट पता चल जाएगी. टेस्ट काफ़ी अच्छी है. इतने पैसे ले रहे हैं उतने का तो टेस्ट दे रही है ना? हाँ बिल्कुल, वही चाहिए. आप लो पैसे टेस्ट दो. जैसे बिस्किट में वैसा नहीं होता, पैसे ले रहे हैं पर टेस्ट नहीं दे रहे. बिश्केक में तो तीखा खाना तो लगभग ना के बराबर है. वहाँ की मिर्ची खाए मैंने, मिर्ची भी इतनी अच्छी नहीं है. जो भी साइड वाले इंडियन से देखते हैं थोड़ा नर्वस फील करता हूँ क्योंकि मेरा स्टार्टिंग है ना व्लॉगिंग का, मुझे इतनी भी देर नहीं है. चलो, एक और सपना पूरा हो गया मेरे फैमिली की वजह से, मेरे पापा की वजह से, क्योंकि उनकी वजह से मैं यहाँ पे और ये खा रहा हूँ. तो ऑल थैंक्स टू माय फादर.
शारजा में, आपका भी होल्डिंग, आपका भी होल्ड टाइम बहुत ज़्यादा रहे, मतलब आपको कुछ खाना है इंडियन 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 स्टाइल में, तो यहाँ पे इंडियन होटल्स भी हैं। यहाँ पे ग्रीन लीफ करके हैं, मैं आपको दिखाऊंगा ग्रीन लीफ और एक मुंबई डिलाइट, हाँ और एक मुंबई डिलाइट है, ये दोनों होटल में आपको इंडियन खाना मिल जाएगा, अच्छी टेस्ट है, मैंने टेस्ट करी है। Final call. All passengers flying on board Air Arabia. Flight number 251 departing to Almaty are kindly requested to proceed now to gate number 21. النداء الأخير. Your terminal settings. So guys, our checking time चालू हो गया है, तो हम चेकिंग कर चुके हैं और वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही क्राउड है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा अलग आके बैठे हैं। बस कुछ ही देर में हमारी बोर्डिंग टाइम भी हो जाएगी, लगभग हमारे प्लेन में होंगे। काश यार, बहुत बहुत तकलीफ हुई है यहाँ पे इतना होल्ड लेके, इतना होल्ड कभी भी नहीं चाहिए। तो लगभग 4:40 को फ्लाइट है, यहाँ से टेक ऑफ करेगी और मुंबई को लगभग 9:30 तक पहुँच जाएगी। उसके बाद फिर यश के पापा आने वाले हैं हमें रिसीव करने के लिए, तो वहाँ से हम डायरेक्ट जाएंगे यश के घर पे, और घर पे फिर एक रात रुकूंगा मैं वहाँ पे, फिर उसके बाद कोल्हापुर। तो ये है प्लान ऊपर से। सो फाइनली गाइस, इतना वेट करने के बाद हमारी फ़्लाइट आ चुकी है, 4 बज गए हैं, तो 4 बजे 4:40 को हमारी फ़्लाइट है, तो 4 तो बज चुके हैं, बस अभी बोर्डिंग टाइम हो गया है, तो बोर्डिंग टाइम करके फ्लाइट में सवार होके आ रहे हैं मुंबई। स्वागत में तो कोई नहीं रहेगा मुझे पता है, लेकिन हम हमारा खुद का स्वागत कर लेंगे। तो चलो चलते हैं, बहुत देर यार, होल्डिंग टाइम बहुत बहुत बुरा था हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बैठने की जगह थी, ऊपर से फ्लाइट में नींद भी नहीं आई थी, तो इसलिए पूरा बोरिंग सा गया है। चलो ठीक है।